विशेष जानना है, समझना है कि ये मुरली जो सिर्फ एक म्यूजिक है, बांसुरी जब बजती है उसकी धुन सबको बहुत मीठी प्रतीत होती है, और उस मीठी मुरली की धुन से, उस संगीत से मनुष्य आत्माएं जिनको गोप गोपिकाएं कहा, वो अपनी सुध-बुध खो देते थे, या कहा कि उनको अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति होती थी। तो अब सोचने की बात है कि अगर हम कहें कि मुरली का संगीत इंद्रियों का सुख दे सकता है, कुछ समय के लिए अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे मन की स्थिति को भी शांत एकांत स्थिति का अनुभव करा सकता है, परंतु क्या घंटों हम उस संगीत को सुनते रहे और अपनी सुध-बुध खो दे, क्या ऐसी अवस्था संभव है? तो वो कौन सी मुरली है? आज तक ब्रह्मा कुमारी के बेसिक नॉलेज को आप नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं, 10 दिन आज लगभग हो गए, और उसके बाद भी आप सबके मन में ये प्रश्न निश्चित है कि अब आगे क्या? अब तक तो हमने ये ज्ञान सुना, अब हमें आगे क्या करना होगा? तो वास्तव में इस ईश्वरीय ज्ञान को कंटिन्यू रखने के लिए, मेडिटेशन की प्रोसेस की गहरी अनुभूति के लिए, हमें पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स रोज के रोज मिलते रहे तो बहुत अच्छा होगा। और शायद इसीलिए परमपिता परमात्मा भी रेगुलर हम आत्माओं को ईश्वरीय महावाक्य सुनाते हैं, और उन ईश्वरीय महावाक्यों को ही यहाँ पर नाम दिया गया मुरली। तो मुरली यहाँ कोई काठ की मुरली नहीं है जो कोई बजाएगा और आप उस संगीत की धुन में खो जाएंगे या अपनी सुध-बुध गवा देंगे, ऐसा नहीं। वास्तव में मुरली वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो श्रीमत है जो साक्षात परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से हम सब आत्माओं को दिया, और उसको 7 दिन के मेडिटेशन कोर्स के रूप में हमने जाना, 2 दिन हमने उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में लाया। अब हमें ये जानना है कि ये मुरली क्या है, और कैसे परमात्मा जो निराकार है वो साकार माध्यम के द्वारा हम सभी को ये दिव्य ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं वो मुरली क्या है। मुरली को जानने के लिए मुरली शब्द के अक्षरों को अगर हम जान लेंगे तो उसका पूरा सार उसमें आ जाता है, क्योंकि आगे जो ईश्वरीय महावाक्य आपको सुनाने हम जाएंगे, उन ईश्वरीय महावाक्यों की विशेषता ये है कि उसमें हमारे रोज की दिनचर्या में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी मनस्थिति है, जो भी बाह्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित परिस्थिति है, उन सारी बातों का आंसर हमें उस मुरली में मिल जाता है। ये हमारी गारंटी है आपको कि चाहे आप कोई भी प्रकार की उलझन में है, कोई थॉट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में है, तो वो मुरली आपको सही दिशा देगी। और आवश्यक नहीं है कि वो आज की ही मुरली होगी, आप कोई भी मुरली उठाकर देख ले, उस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आपको गाइडेंस जरूर मिले। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इस ईश्वरीय महावाक्यों की ये है कि जब हम अपने आप को फिजिकली तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं,
आईना आपको बताता है कि क्या अव्यवस्थित है और क्या क्या ठीक करने की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे आपको पता चलता है मुझे ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, आप वैसे वैसे करते जाते। ठीक ऐसे ही ये मुरली हम सभी के लिए आत्मा का दर्पण है। जैसे वो दर्पण हमारी फिजिकल जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करने में हमें मदद करता है, ऐसे ही यह ईश्वरीय महावाक्य हमारी आत्मा में क्या अव्यवस्थितता आ गई है उसके बारे में हमें बताते हैं। और इसीलिए जब हम ये मुरली सुनते हैं तो धीरे धीरे मन में वो बातें स्पष्ट होने लगती है और हम अपने आप को ठीक करना शुरू कर देते हैं, अर्थात हमारे लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। इस मुरली को, इन ईश्वरीय महावाक्यों को हम एक मेडिसिन की तरह भी काम में ले सकते हैं। जैसे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम मेडिसिन काम में लेते हैं, ऐसे ही हमारे आत्मा की जो भी दुख, तकलीफें, कमजोरियां, कमियां हैं, उनके लिए यह दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय महावाक्य, यह मुरली मेडिसिन का काम करती है। जैसे ही हम इसको सुनते हैं, आत्मा इसको अपने भीतर समाती है, तो उस मेडिसिन का असर दिखाई देने लगता है, मुरझाया हुआ मन फिर से ठीक हो जाता है। हमारे जीवन की उदासी फिर खुशहाली में परिवर्तन हो जाती है। तो इतनी पावरफुल ये मेडिसिन का डोज है, या इसको हम ज्ञान इंजेक्शन कहे, कि जब शरीर की स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा की स्थिति आज विषय विकारों के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ये ज्ञान इंजेक्शन लगाकर फिर से पावन श्रेष्ठ बनने का बल देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इसको हम ज्ञान का इंजेक्शन भी अथवा ज्ञान की दवाई भी कह सकते हैं। यह जो ईश्वरीय महावाक्य है, ये जो मुरली है, ये हमारे आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन के आधार से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, तो ऐसे ही जब हम अपने शरीर के भोजन का ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार से हम कभी भी बासी या सड़ा गला भोजन अपने आप को नहीं देते हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा को विचारों की जो खुराक है वो हमने बहुत पुरानी बासी सड़ी गली दे रखी है, और इसी के कारण हमारी आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो वास्तव में जो पूर्व के विचार, जो पास्ट की कुछ बातें हमने अपने मन में बिठा रखी है, अगर उन्हीं बातों के चिंतन में हम चलते रहेंगे तो यह एक प्रकार से हमारे आत्मा को बासी खुराक देने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए रोज नियमित रूप से आप सभी को ताजा खुराक इन ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा श्रेष्ठ विचारों की मिलती रहेगी। अब ये खुराक आपको कितने टाइम लेनी है ये आप पे डिपेंड करता है। कोई सुबह सुबह ईश्वरीय महावाक्य सुन करके ताजा माल, आप देखेंगे अभी सर्दियां शुरू हो गई है तो जो अच्छी खुराक होती है, जो पावरफुल चीज होती है खाने की, वो सुबह सुबह दी जाती है। तो आप सभी को भी अगर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो आपको भी अपनी खुराक को सुबह सुबह लेने का लक्ष्य रखना है। ये जो ईश्वरीय महावाक्य है, जब हम इसको सुबह सुबह सुनकर अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका सारा दिन बहुत अच्छा होगा। जैसे एक योद्धा होता है, उसको युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही पूरी तैयारी करवा दी जाती है, अस्त्र शस्त्र कैसे प्रयोग में लाने उसकी सारी ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसको डर नहीं लगता, वो कैसी भी परिस्थिति
उस युद्ध के मैदान में आए वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली रेडी रखता है। तो ऐसे ही कर्म क्षेत्र किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। तो उस कुरुक्षेत्र पर कदम रखने से पहले अगर हम इन अस्त्र शस्त्रों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित कर ले, ईश्वरीय महावाक्यों को सुबह सुबह सुन करके अपने आप को तैयार कर ले आने वाले दिन के लिए, तो आप महसूस करेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, परिस्थिति आएगी और आपके पास उसका हल तैयार होगा, तो फटाफट आप उसको लेट गो करेंगे। तो सुबह क्या टाइम सबसे अच्छा है, अगर आप सुबह नहीं सुन सकते हैं तो समय निकाल कर दिन के समय में भी आप सेवा केंद्र पर जाकर के मुरली सुने, अथवा संध्या को भी क्लास होती है शाम के समय भी जाकर आप सुन सकते हैं। अब जब तक सेवा केंद्रों की शुरुआत होती है या नहीं होती है तब तक भी सुबह सुबह ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें अच्छा साधन मिला हुआ है, इसके द्वारा एक बार तो हमें सुनना है। और कम से कम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस खुराक को आप कितना लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए कम से कम दो बार तीन बार स्टार्टिंग में, जब तक आपको अच्छे से अभ्यास नहीं हो जाता, कम से कम पांच बार आपको यह ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं अथवा पढ़ने हैं अथवा अपने आप को उसका रिपीटेशन करवाना। ईश्वरीय महावाक्य सुने फिर उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहे। और क्योंकि आप अभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बन गए, वैसे तो पहले दिन कोर्स शुरू हुआ उसी दिन आप सबको कह दिया गया था कि आपको डायरी पेन लेके बैठना है, और निश्चित रूप से आप सभी बैठे भी होंगे, कुछ एक के हाथ में तो दिखाई दे रहा है पर कुछ एक शायद सिर्फ एज अ स्टूडेंट लर्निंग के लिए आकर बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास है दिखा भी रहे बहुत अच्छा, तो जिनके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है अपने डायरी पेन को यूज करने की, उनको क्या करना है, आज से ही अपने इन ईश्वरीय महावाक्यों की नोट्स लेना शुरू कर देना। आइडियल स्टूडेंट है ना आप इस गॉडली यूनिवर्सिटी के, तो आपको अपने पास डायरी पेन जरूर लेकर बैठना है। तो ईश्वरीय महावाक्यों के श्रवण के साथ साथ उसका मनन चिंतन और उसके नोट्स आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास होगा, और ये अभ्यास फिर मेडिटेशन में काम आएगा। फिर दूसरी बात कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय क्या विचार होने चाहिए, ये प्रश्न अधिकतर लोगों का रहा है। तो आपको बता दे कि ये जो आत्मा की खुराक ये ज्ञान है, ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। ये वही खुराक होगी जो आपको सकारात्मक ऊर्जा मन को देगी, क्या सोचना है वो आपको उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो ईश्वरीय महावाक्य है ये खुराक भी, फिर इसको हम कहें कि ये ईश्वरीय महावाक्य हम आत्माओं के लिए ज्ञान स्नान है। जैसे शरीर को हम रोज स्नान कराते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, गर्मियों में दो बार तीन बार भी हम स्नान करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, लेकिन आत्मा की जो स्नान है वो है ज्ञान। आत्मा को स्वच्छ करने के लिए पानी से कुछ नहीं होना, तो आत्मा को स्वच्छ शुद्ध बनाने के लिए ये ज्ञान स्नान हमें नियमित करना है। जैसे जैसे ये ज्ञान आत्मा के ऊपर पड़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी आत्मा शुद्ध स्वच्छ होना शुरू हो जाएगी। फिर है कि इन ईश्वरीय महावाक्यों की जो इतनी महत्ता हमारे जीवन में है, तो इनको हमें कैसे सुनना है और कैसे समझना है, क्योंकि आप जब इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो महावाक्य है, इन महावाक्यों में परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान जिसको आप पिछले 10 दिनों से सुन रहे हैं,
उस ज्ञान की एक एक पॉइंट का बहुत अच्छे से क्लियरेंस मिलेगा। इस भौतिक दुनिया के कुछ एग्जाम्पल देकर के भी बाबा हमें ये बातें अच्छी तरह से समझाते। और दूसरा, जो परिस्थितियां आने वाली है उसके लिए भी ये ज्ञान हमें पहले से तैयार कर देता है। तो ये ईश्वरीय महावाक्य जिनको हम मुरली कहते हैं, ये मुरली का वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब ये मुरली बजती थी तो गोप गोपियां अपनी सुधबुद खो देते। वो गोप और गोपियां कौन है? गो अर्थ होता है अमृत और पी अर्थात पान करना। तो गोप अर्थवा गोपियां अर्थात जो ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाली आत्माएं हैं वो सभी गोप गोपियां हैं। और वो कौन है? वो हम सब हैं। जो परमात्मा द्वारा प्राप्त इस ज्ञान अमृत का पान कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सब वो गोप गोपियां हैं। और गोप गोपियों के रूप में परमात्मा ने हमें चुना। तो जब ये मुरली हम सुनते हैं तो हम मस्त होकर के सुने, मन बुद्धि को परमात्मा में जोड़कर सुने। इस ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करते समय हम अपने मन की जिज्ञासाएं, मन के प्रश्न लेकर के बैठे कि बाबा आज आपको अपनी मुरली से हमें ये बातें जरूर सुनानी, इसका उत्तर मुझे आज चाहिए ही चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीजें आपको, जब आप लक्ष्य लेकर बैठेंगे उस लक्ष्य के आधार से वैसी वैसी बातें आपको मिलती जाएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक और बात कि इस ईश्वरीय महावाक्यों को हम परमपिता परमात्मा साजन द्वारा हम आत्मा रूपी सजनियों के लिए एक प्रेम पत्र की तरह ले, ये ईश्वर का हम आत्माओं के लिए प्रेम भरा पत्र है। और जब आप इस भावना से उन ईश्वरीय महावाक्यों को, आप सोचो प्रेम पत्र अगर हमें किसी का मिले तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे उसको सुनेंगे, कितनी जिज्ञासा होगी। तो उसी जिज्ञासा से हम सभी परमात्मा के उन ईश्वरीय महावाक्यों को उसी स्नेह से, उसी प्यार से चात्रक की तरह एक एक बूंद को अपने बुद्धि की चोंच में समाते जाए। तो इसीलिए हम सभी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि परमपिता परमात्मा द्वारा जो ये ईश्वरीय महावाक्य हमें सुनाए जा रहे हैं, कोई साधारण महावाक्य नहीं। ये हमारे आत्मा की खुराक है, ये हमारे आत्मा के लिए दर्पण है, ये हमारी आत्मा का ज्ञान स्नान है, ये हमारी आत्मा की खुराक है, ये हमारी आत्मा की मेडिसिन है, ये हमारी आत्मा के लिए प्रेम पत्र है परमात्मा। तो जब इस भावना से आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ एक और बात कि परमात्मा के इस पत्र के लिए हमें ये समझना है कि ईश्वर जब हम आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं तो उनका कोई एक स्वरूप नहीं। ईश्वर तो कभी माता पिता के रूप में भी अनुभव होते हैं, कभी सतगुरु के रूप में भी अनुभव होते हैं, कभी शिक्षक भी बन जाते हैं, तो कभी वो हमारा सखा भी बन जाता है। तो जब आप मुरली सुनेंगे तो शिव बाबा भी हम आत्माओं को हर प्रकार से समझाते हैं। कभी टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाते, कभी माँ बाप बनकर संस्कार देते, कभी मित्र बनकर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देते हैं। तो इसीलिए इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते सुनते सचमुच हम अपनी सुधबुद खो देते। इतनी प्यारी वो अनुभूति होती है कि उस अनुभूति में हम एकदम खो जाते। आपने देखा होगा कि गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो चित्र दिखाया जाता है, अगर नहीं देखा है तो अभी उसको गौर करके देखना, आपको सहज मिल जाएगा वो चित्र मोबाइल में भी, कि गोप गोपियों को श्री कृष्ण के आसपास बैठा हुआ दिखाते हैं और फिर
बांसुरी बजाता हुआ दिखाया है। तो बांसुरी जैसे जैसे बजती जा रही है, गोप गोपियों के चेहरे आप देखिए कैसे है, एकदम चात्रक बनकर वो सुन रहे हैं। किसी की आंखों में वो स्नेह झलक रहा है, किसी के चेहरे पर वो मधुर मुस्कान छाई हुई है, किसी की चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो वो जो चित्र आप देखेंगे तो अपने आप आपको मन में आएगा कि हम भी जब ईश्वर की मुरली सुने तो हमारा चेहरा कैसे प्रसन्न, कैसे खुशनुमा, कैसे खोया हुआ होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप उस ईश्वरीय महावाक्यों को सुनना शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये पढ़ाई है और पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ईश्वरीय महावाक्यों को भी शिव बाबा हमें चार विशेष सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ाते हैं। और उन चार सब्जेक्ट्स में सबसे पहला है ईश्वरीय ज्ञान। तो परमात्मा का जो ये ईश्वरीय ज्ञान है, जिसको हम पिछले 10 दिनों से सुन रहे हैं, उस ईश्वरीय ज्ञान का पूर्णतः स्पष्टीकरण नए नए एग्जाम्पल्स के रूप में हमें परमात्मा द्वारा रोज दिया जाता है। कभी बाबा आत्मा के बारे में हमें बताएंगे, कभी हमें संसार चक्र के रहस्य को अलग अलग रूप से समझाएंगे, कभी वो हमें हमारी 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे, तो कभी कभी वो हमें बैठकर अपने और अपने घर का ज्ञान देंगे। इस प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान इस ईश्वरीय महावाक्यों में होता है। दूसरा, उस ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है, वो है सहज राजयोग। जब ईश्वरीय ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठने लगता है तो उस ज्ञान के बिंदुओं के आधार से कैसे हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें, उस ज्ञान के आधार से कैसे हम अपना योग लगाए, वो हमें इस ईश्वरीय महावाक्यों में रोज का रोज स्पष्ट होता जाए। तो ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ सहज राजयोग की नॉलेज भी बाबा हमें देते हैं। राजयोग से रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको मुरली में मिलेंगे। योग कैसे लगाना है, योग किसका किसके साथ होना चाहिए, कर्मयोगी अवस्था क्या है, योग के माध्यम से कैसे हम अनेक आत्माओं तक अपने वाइब्रेशंस स्प्रेड कर सकते हैं, ये सारी बातें। और उसके बाद फिर जब सहज ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग दो सब्जेक्ट आ गए, तो तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा। हम सभी के जीवन में जब परमात्मा से योग लगना सीख जाते हैं तो दिव्य गुणों की धारणा होनी शुरू हो जाती है। और जब दिव्य गुणों से सुसज्जित हमारा जीवन बनने लगता है तो फिर ईश्वरीय सेवा की शुरुआत होती है, जो चौथा सब्जेक्ट हमारा है ईश्वरीय सेवा। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चार सब्जेक्ट हमारी रोज की मुरली में कवर होते। अब ये मुरली क्या है? तो पहला अक्षर मुरली में आता है म। म अर्थात जो हमारे जीवन को मधुरता से भर देती है, वो है मुरली। मुरली वह जो हमारे जीवन को मधुरता से भर देती है। दूसरा ओ अक्षर आता है। ओ अर्थात जो हमारे जीवन की समस्याओं से हमें उपराम कर देती है, वो है मुरली। र अर्थात जिसमें रचना और रचयिता का ज्ञान स्पष्ट रूप से हमें समझाया जाता है, वो है मुरली। फिर है ल अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य हमें बताया जाता है। तो मुरली अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य, मनुष्य से देवता कैसे बने, उस लक्ष्य के प्रति हमें जागृति देती है। और ई अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा निष्ठा हमें सिखाती है। तो ये ऐसी मुरली जो रमणीयता से परमात्मा हम आत्माओं तक रोज पहुंचाते हैं, ये मुरली कब सुनाई? अब तो शिव बाबा नहीं है,
ब्रह्मा बाबा नहीं है, फिर हम कैसे मुरली सुने? तो वास्तव में जब परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इस सृष्टि पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन द्वारा महावाक्यों को सुनाना शुरू किया, तो 1937 से लेकर के 1969 तक, जब तक ब्रह्मा बाबा का साकार रूप में इस सृष्टि पर वास्तव्य था, तब तक जो ईश्वरीय महावाक्य सुनाए गए, उन महावाक्यों को उस समय जो मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी हुई थी, उन्होंने साकार रूप में सुना। बाबा उस मुरलियों को लिखते थे, बाद में उसको टाइप करके अथवा रिकॉर्ड करके और फिर अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता। फिर ब्रह्मा बाबा के बाद भी, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी परमात्मा का कार्य तो रुकेगा नहीं, तो ईश्वर का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी के बीच से ही हमारे आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को परमात्मा ने अपना माध्यम बनाया और उस माध्यम के आधार से इन ईश्वरीय महावाक्यों को नियमित रूप से चालू रखा गया और वो महावाक्य जिनके माध्यम से सुनाए जा रहे हैं उनका परिचय भी आपको देना चाहेंगे कि मात्र 8 वर्ष की आयु में आप इस संस्था के साथ जुड़ी, अपने माँ के साथ, लौकिक माता जी के साथ, और आपके जीवन का सबसे बड़ा जो दिव्य स्वरूप था वो ये कि आपको परमात्मा की दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त। बाल्यकाल से ही आपको ध्यान अवस्था की अनुभूति का अनुभव था और इसीलिए ईश्वर ने उसी रथ का आधार ब्रह्मा के जाने के बाद लिया और उनके द्वारा हम सभी को ईश्वरीय महावाक्य सुनाना शुरू किया। तो परमात्मा जब ब्रह्मा के जाने के बाद दादी गुलजार के द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुनाने लगे, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों दादी जी के माध्यम से हम सभी बच्चों को मिलते। तो इसीलिए उसको कहा गया अव्यक्त महावाक्य। ब्रह्मा के अव्यक्त होने के पश्चात वो महावाक्य शुरू हुए, तो इसीलिए उनको अव्यक्त महावाक्य कहा जाता है। अब चाहे साकार महावाक्य चाहे अव्यक्त महावाक्य, अभी तक भी हम आत्माओं के पास नियमित रूप से आते जा रहे। वो महावाक्य हम सभी के पास कैसे आते जा रहे हैं? जो पुराने 1937 से लेकर के 69 तक के महावाक्य है, वो भी अभी तक हमारे मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में बहुत अच्छी रीति से संभाल कर रखे हुए हैं। उन्हीं को ईश्वरीय महावाक्यों की मुरली के रूप में हमारे सभी सेवा केंद्रों में विश्व भर में भेजा जाता है। बाय पोस्ट वो मुरलियां हमारे पास रेगुलर आती है, एडवांस में आती है और विश्व के सभी सेवा केंद्रों पर एक प्रकार की मुरली, डेट वाइज एक ही तरह के महावाक्य सभी स्थानों पर सुनाए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। हमें ये समझना है इस बात को लेकर के कि वास्तव में परमपिता परमात्मा जो एक मत, एक भाषा, एक धर्म की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से होनी है। और इसीलिए परमात्मा ने एक ही प्रकार की विचारधारा सभी मनुष्य आत्माओं में एक साथ चले, तो उसी लिए एक ही प्रकार के महावाक्य पूरे विश्व भर के ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र पर चलाए जाते। तो आप देखिए इस संस्था से जुड़े हुए जो लाखों भाई बहने, जो लाखों परिवार है, उन लाखों परिवारों ने जब सुबह सुबह ईश्वर की श्रीमत को लिया, उसके आधार से अपना चिंतन शुरू किया, अपना पुरुषार्थ शुरू किया, तो क्या हुआ? लाखों का एक ग्रुप एक ही प्रकार की विचारधारा में चलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे उन विचारों के प्रभाव से
सृष्टि पर वो परिवर्तन की शुरुआत हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे इस ईश्वरीय महावाक्यों को जब हम सुनते हैं तो एक ही प्रकार की विचारधारा में हम सभी मनुष्य आत्माएं चलना शुरू करते। तो अभी हमें ये समझना है कि इन ईश्वरीय महावाक्यों को हमें रोज सुनना है। तो आप सोचेंगे, दीदी अभी आप तो हमें घर बैठे सुना रहे हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे भी है हम अपने घर में बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे क्या? तो जैसे आपको बताया कि आगे भी आपके लिए यह ईश्वरीय महावाक्य हम नियमित सुनाते रहेंगे। लेकिन आपको मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि अच्छा है ये साधन हमें मिले हैं और अभी आवश्यकता के समय में इन साधनों के माध्यम से आप रेगुलर मुरली सुन भी रहे हैं, लेकिन आप सभी को ये भी ध्यान रहे कि जब सेवा केंद्र खुल जाएंगे आपके आसपास, आपके शहरों के, उसके एड्रेस भी आपको हमारे ग्रुप के द्वारा दिए जाएंगे, वहां भी आपको अवश्य जाना है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब आप इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनने के लिए सेवा केंद्र पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि इन महावाक्यों के आधार से जो आप घर में अनुभूति कर रहे हैं, घर की अनुभूति में और सेवा केंद्र की अनुभूति में रात दिन का फर्क है। आप देखिए, आप अपने बच्चे को सारी शिक्षाएं देते हैं, सब पढ़ाई पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे से उसने ABCD भी सीख ली, 1 to 100 की काउंटिंग भी उसको आ गई, सारे चार्ट्स उसने याद कर लिए, फिर भी क्या होगा? आप उसको स्कूल में एडमिट कराएंगे ना? क्यों कराएंगे? क्योंकि वहां का माहौल, वहां की बातें, वहां की जो संस्कार के लिए उसके लिए आवश्यक बातें हैं, वो वही जाके उसको मिल सकती। तो ऐसे ही भले घर बैठे आपको कितना भी यह ज्ञान हम दे, लेकिन जब प्रैक्टिकली घर में कैसा माहौल है, अभी हो सकता है आप ये ज्ञान सुन रहे हैं, एक तरफ कोई दूसरे आपके घर के सदस्य टीवी चला के भी बैठे होंगे, कोई भोजन भी बना रहे होंगे, कोई बाहर के लोग आए होंगे, उनसे वहां आपस में चिटचैट भी चल रही होगी, गॉसिप्स भी हो रहे होंगे, कोई आपके घर के छोटे छोटे बच्चे शोर भी कर रहे होंगे आसपास। तो इस प्रकार से उस माहौल में आप अपने आप को एकाग्र करते हुए सुनने की कोशिश करते, मुश्किल से मन एकाग्र हो पाता है। या मेडिटेशन करने बैठते तो वो वाइब्स पूरा टाइम वहां पर नहीं है, और शायद इसीलिए बहुत मेहनत से हमारा मन एकाग्र होता है। और फिर जब आप सेंटर पर जाएंगे और वहां बैठकर, क्योंकि सेंटर पर जाने के बाद सेंटर पर हर आत्मा का संकल्प क्या है कि मुझे यहाँ शांत स्वरूप स्थिति को अनुभव करना है, मुझे यहाँ खुशी का अनुभव करना है, मुझे यहाँ प्रेम स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है, तो कोई भी आता है तो वहां अनुभूति के लिए आता है। तो वहां टोटली वायुमंडल में वाइब्रेशंस उसी प्रकार की मनस्थिति के है, और जब हम वहां जाकर बैठेंगे तो हमारे मन को मनाभव होना बहुत सहज हो जाएगा। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान रखें कि हम जब भी सेवा केंद्र पर जाने का मौका मिले तो जरूर हम सेवा केंद्र पर जाए और इस ईश्वरीय मुरली को भी हम जरूर सुने। तो अब मैं आपको पूछना चाहूंगी कि ईश्वरीय महावाक्यों को इसी प्रकार रेगुलरली हम यहाँ तो सुनेंगे ही, लेकिन साथ साथ सुबह सुबह भी इसका क्या इफेक्ट रहता है वो भी आपको समझाना चाहूंगी कि इन ईश्वरीय महावाक्यों को जब हम नियमित रूप से सुबह सुबह सुनते हैं उसका सबसे अच्छा प्रभाव ये होता है कि सुबह सुबह हमारा तन और मन एकदम फ्रेश होता है, और तन मन की फ्रेशनेस सहज हमें इन ईश्वरीय महावाक्यों को अपनी बुद्धि में स्वीकार करने में सहजता का अनुभव।
तो इसीलिए। और दूसरा कि जब सुबह सुबह हम, पहले भी मैंने बताया कि सुबह सुबह हम इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनकर फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो हम अपने आप को तैयार करके जाएंगे तो भी बहुत सहज होगा, अच्छा लगेगा। कई बार शाम तक हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, फिर थोड़ी थकावट भी होती है, कई प्रकार की दिन भर की कोई कोई बातें भी मन में होती है, सुन रहे मुरली होते हैं और मन में चिंतन उन बातों का चल रहा होता है, उसका भी प्रभाव रहता है। सुबह सुबह उठते ही फ्रेश मूड से, अभी जहाँ दिनचर्या के विचार शुरू नहीं हुए हैं वहाँ अगर हम ये मुरली की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। अभी फिलहाल आपको डरना नहीं है, आपको कोई सुबह सुबह हम तुरंत नहीं बुलाएंगे, अभी कुछ दिन तो हमारे ईश्वरीय महावाक्य हम आपको शाम को सुनाते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हमें अपने मन को तैयार रखना, हमें इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनने के लिए, राज्यों की अनुभूति के लिए सेवा केंद्र पर भी अवश्य जाना। तो जब हम इस प्रकार के इन महावाक्यों को नियमित सुनेंगे तो अब हम जाने कि वो मुरली क्या है, कैसे परमात्मा हमें सुनाते हैं। तो उसका एक फॉर्मेट, स्टार्टिंग परमात्मा करते हैं मीठे बच्चे कहकर। जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे रोज, अभी कल से आपको सुनाना शुरू करेंगे, तो इन ईश्वरीय महावाक्यों की जो शुरुआत होती है वो प्रेम भरे दो बोल जो हमें फुल चार्ज कर देते, और वो बोल है परमात्मा के द्वारा हमें कहा जाता मीठे बच्चे। जैसे ही आप वो मीठे बच्चे शब्द सुनेंगे तो आपको फील होगा कि वास्तव में हमारे जीवन में कितनी सारी कड़वाहट, कितने विषय विकारों में आत्मा लिप्त हो चुकी है, फिर भी पिता तो पिता होता है, माँ तो माँ होती है। अपने नटखट चंचल बच्चे को भी माँ कहेगी, ये तो मेरा राजा बच्चा है, ये तो मेरा लाडला बच्चा है। तो ऐसे ही परमात्मा भी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कड़वाहटें, बहुत सारे विषय विकार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी रोज वो हमें मीठे बच्चे कहकर एक दिन हमें मीठा बना ही देंगे। और हम मीठा बनना शुरू हो जाते हैं ईश्वरीय महावाक्य सुनते सुनते। तो इसीलिए हमें इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते समय अपनी आत्म स्थिति में स्थित होकर उस परमात्म ज्ञान को अनुभव करना। हो सकता है शुरू शुरू में आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, कुछ बातें समझ भी जाएंगे तो भी थोड़ा सा रहेगा कि आज तक तो ये सुना था, अभी ये कह रहे हैं, अब कैसे माने कैसे जाने। आप एकाग्र होकर सुनते रहिए, पहले जानते रहिए, फिर मानना अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि मान्यताएं जानकारी के आधार से ही बनेंगे। और जब आपको सत्य ज्ञान का स्पष्टीकरण मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो ईश्वरीय महावाक्य है ये कोई कथा, कोई शास्त्र, कोई पुराण उठाकर सुनाया हुआ नहीं, ये डायरेक्ट परमात्मा के, ब्रह्मा के माध्यम से सुनाए गए श्रीमत है, जिसको हम सभी ने गीता में भी सुना, भगवान वाच। तो ये सत्य गीता का ज्ञान है जिसमें भगवान स्वयं उच्चारित कर हम आत्माओं को ये ज्ञान देते। आप सोचेंगे गीता में जो बातें हैं उसमें से भी इस ज्ञान की कई बातें हमें अलग लगी, उसके पीछे भी कारण है, वो भी आगे आपको धीरे धीरे स्पष्ट होगा। क्योंकि जब गीता शास्त्र के निर्माण की बात हम सुनते हैं तो उसमें भी ये स्पष्ट होता है कि जब साक्षात्कार के द्वारा वेद व्यास जी के माध्यम से गीता का आरंभ हुआ लिखने का, तो उस समय उन्होंने संस्कृत भाषा द्वारा इस गीता को लिखा। लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता ये है कि संस्कृत के एक एक शब्द के 10-10 हिंदी अर्थ निकलते, और जब ट्रांस की अवस्था में वेद व्यास जी ने उन महावाक्यों को सुना या अनुभव किया, उसके बाद तो जो उनको समझ में आया वो लिखवाते गए, सोचा बाद में इन चीजों को मैं अच्छे से विस्तार से समझ के कर लूंगा, लेकिन जब विस्तार करने बैठे
तो एक एक शब्द के दस दस अर्थ देख करके उन्होंने भी छोड़ दिया। और शायद इसीलिए आज दिन तक भी गीता का जितना भी ट्रांसलेशन हुआ है या जिस जिसने अपने विचार अपनी मान्यताएं गीता के बारे में प्रकट की है वो सब अलग अलग हो गए। गांधी जी की गीता अलग है, टैगोर की गीता अलग है, ज्ञानेश्वर जी की गीता अलग है, सभी ने अपने अपने समझ के अनुसार उसका अर्थ करके उनको लिखा। और शायद इसीलिए सामान्य मनुष्य के लिए भी जब उन अर्थों को कहीं ना कहीं कुछ एक बातों के मिलावट के साथ जोड़ दिया गया तो मनुष्य को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है वो तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया और उसके विस्तार में हम मनुष्य आत्माएं चले। तो परमात्मा पिता जब उस विस्तार को फिर से सार रूप में हमें समझाने आया है तो उस गीता के सत्य ज्ञान को हम सभी नियमित रूप से सुनेंगे, समझेंगे और उसी के आधार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की राह पकड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हम सभी के लिए होगा कि हम नियमित रूप से परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे। तो मीठे बच्चे कह के परमात्मा इन महावाक्यों की शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न के माध्यम से हमारी बुद्धि और मन को एक अवेयरनेस आती है कि वास्तव में इसका क्या रहस्य है, और फिर उसका उत्तर भी परमात्मा हमें इन ईश्वरीय महावाक्यों के द्वारा सुनाते हैं। फिर चार पेज के ये ईश्वरीय महावाक्य यह मुरली चलती है और जैसे पत्र के अंत में हम सभी का हालचाल पूछते, सबको याद प्यार और नमस्ते करते हैं, ऐसे ईश्वर भी जो सर्व धर्मों के पिता है, इसीलिए धर्मात्माओं के भी पिता होने के कारण सर्व भाषाओं में मिला जुला याद प्यार भी वो परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं अंत में। और उसके बाद एक वरदान ईश्वर का होता है, उससे पहले धारणा के लिए मुख्य सार, क्योंकि कई बार चार पेज की इतने बड़े महावाक्य हमारे ध्यान में नहीं रहते तो मुरली के दो पॉइंट्स के रूप में धारणा का मुख्य सार हमें सुनाया जाता है। उसके बाद ईश्वर का वरदान हमें मिलता है। आप सोचिए, जिस वरदान के लिए हम पूरी जिंदगी तरसते थे, अब रोज ईश्वर का वरदान हमें मिलेगा। और उस वरदान के बाद फिर एक स्लोगन, हमारे स्वयं की लगन को दिन भर चेक करने के लिए एक स्लोगन दिया जाता है, एक ईश्वरीय ऐसा पॉजिटिव थॉट जो हमारे दिन भर के स्वयं की लगन को चेक करने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से ये जो मुरली का फॉर्मेट होगा इसको हम रोज सुनेंगे। और इस मुरली को सुनते समय हम सभी को ये भी ध्यान रखना है कि मुरली को हमें लिखना है, पूरी मुरली हमें नहीं लिखनी है, लेकिन जो ऊपर की दो लाइनों का मीठे बच्चे वाला सार होता है, जो प्रश्न उत्तर है, जो अंत में मुरली के धारणा का सार, वरदान और स्लोगन है, वो हमें रोज जरूर लिखना है। और सुनाते समय हम बहने वो लिखवाती भी है तो आप सभी को वो लिखकर फिर दिन भर, चलो पूरी मुरली नहीं पढ़ सके, रिवाइज कर सके, तो कम से कम उतना तो आपको सार वरदान जरूर पढ़ना है, प्रश्न उत्तर जरूर पढ़ना है, ताकि आपके बीच बीच में चार्जिंग होती रहे। तो ये ईश्वरीय महावाक्यों की महत्ता आज हमने जानी और कल से हम उस परमात्मा प्रभु के प्यार में खोकर उसका प्रेम पत्र नियमित सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। और अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 10 दिन से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अभी आपके लिए विशेष खुशखबरी कि आपको बोलने का चांस दिया जा रहा है। आपके लिए स्पेशली अनुभवों का सेशन कल रखा गया है और उस सेशन में आपको अपने अनुभव सुनाने, तो आपको क्या करना है, कैसे अनुभव सुनाने हैं, वो आपके अपने दिल की बात है। आपको दिल खोलकर जो भी अनुभव हुआ है उसको शेयर करना है हम सभी के साथ। और साथ साथ उसके लिए पहले आपको जो नंबर दिया गया है उस पर जरूर
कांटेक्ट करना है, उनको लिखवाना है कि मैं अनुभव शेयर करूंगी या करूंगा, ताकि हमें ध्यान रहे कि कितने अनुभव है और कैसे मैनेज करना। दूसरी बात, कईयों के आज फोन भी आए और कई भाई बहनों का ये भी विचार रहा कि क्या हम अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी भी चैट बॉक्स में कोई पूछ रहा है कि अभी इसको समाप्ति माना जाएगा। नहीं, अभी ये आपकी नई शुरुआत, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। जो बेसिक कोर्स के कंसेप्ट थे वो हमने आपको दे दिए। अब आपका और हमारा ये जो संगम हुआ है, जो ये चल रहा है कोर्स, इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सभी को 5:30 बजे जैसे आप कनेक्ट होते हैं वैसे ही कनेक्ट होना है। और फिर आगे हम रोज थोड़ा थोड़ा विस्तार से आपको ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण कराएंगे, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा करके वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे। तो कम से कम 10-15 दिनों तक रेगुलरली अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो सहजता से इन महावाक्यों को सुनना समझना आपके लिए सहज हो जाएगा। हमारे टीम का यही लक्ष्य है कि जब आपने ये मेडिटेशन कोर्स यहाँ किया है, इसको बहुत अच्छी तरह से सुनकर और मुरली के ईश्वरीय महावाक्यों के ज्ञान को अपनी गहराई से समझना शुरू कर दे, ताकि सेवा केंद्र खुलने के बाद आपको फिर जाके वहां दोबारा कोर्स नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप जाकर के और वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से अब हमें अपने इस ज्ञान और योग के द्वारा अपने आप को सशक्त बनाना है, ईश्वरीय महावाक्यों को भी रोज सुनना है और आपके अनुभव सुनने के लिए हम भी बहुत उत्साहित है। तो कल आप सभी की शेयरिंग के लिए आज ही, बल्कि कल दोपहर तक ही आप अपने नाम जल्दी से जल्दी वहां पर उस नंबर पर भेज दे, उनको लिख दे कि हम अनुभव सुनाने में इंटरेस्टेड है। और अभी हम चलते हैं मन की यात्रा पर। 5 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर में मस्तक के बीच चमकती हुई एक मणि हूं। यह शरीर मुझ आत्मा का साधन है और मैं आत्मा सच्ची साधक हूं। अब मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा इस शरीर से परे 5 तत्वों के आकर्षण से मुक्त होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूं। मन और बुद्धि के द्वारा महसूस करे आज्ञा चक्र से निकलकर मैं आत्मा सूर्य चांद तारांगण से पार होते हुए अपने घर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में जा रही हूँ। देखे सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। यहां पर न देह है न देह का कोई बंधन है, ना ही कोई आवाज। मैं आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में स्थित हूँ।
अपने ओरिजिनल स्वरूप बिंदु रूप स्थिति में स्थित मैं आत्मा स्वयं को ब्रह्मांड में अनुभव कर रही हूँ। मेरे प्यारे शिव बाबा जो रूप में बिंदु और गुणों के सिंधु है, मैं आत्मा स्वयं को उनके सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। बाबा के दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे मन बुद्धि को एकदम स्वच्छ शुद्ध प्योर बनाते जा रहे हैं। स्वच्छ और शुद्ध मन बुद्धि के साथ मैं आत्मा एकदम हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे सर्व दोष चिंताएं परेशानियां सब कुछ नष्ट हो चुका है और मैं आत्मा पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप देवी दुनिया स्वर्ग लोक में अवतरित होती हूँ। देखे अपने आप को उस डिवाइन स्वरूप में जहाँ प्रकृति और आत्मा सतो प्रधान है, जहाँ पर हम सब आत्माएं देवी देवताओं के रूप में जन्म लेती है। चारों ओर खुशहाली और समृद्धि है। और मैं आत्मा अपने इस देवताई जन्म में सर्व गुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अवस्था में हूं। यही मेरी वास्तविकता है, ऐसा ही मुझे बनना है। परमात्मा शिव बाबा के दिव्य ज्ञान से मैं आत्मा अपने वर्तमान जीवन में अपने भविष्य देवताई स्वरूप को प्रत्यक्ष देख रही हूँ। मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर उन्हें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण से देवता बनना है। यही मेरे संगम युगी जीवन का लक्ष्य है। प्यारे शिव बाबा का हाथ और साथ मैं आत्मा सदैव अनुभव करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि दीदी ने अभी आपको बताया, कल का जो सेशन रहेगा मुरली क्लास के बाद अनुभव का सेशन रहेगा, जिसमें आप अपना अनुभव जो भी आपको इसमें अच्छा लगा कोर्स करने में, जो भी आपको प्राप्तियां हुई, तो आप अपने मन के जो भाव है उसमें शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको तो अच्छा लगेगा ही और जो सुनेंगे उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सभी टाइम से ज्वाइन होइएगा कल के लिए। और दूसरा, अभी जैसे आपके कल से मुरली क्लास स्टार्ट होगी, तो उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है,
और जो उस ग्रुप का लिंक है आपको इसी ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा, जिसमें आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओम शांति। तो शांति। आप सभी के जिसके भी प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। हेलो, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। दीदी, जैसे अभी आपने कराया, जैसे तो आंखों बंद से फिर भी, आंख बंद करके फिर भी थोड़ा बहुत जैसे है ना, पर खुली आंख से तो कुछ नहीं हो रहा है। मेरा तो ध्यान इधर उधर भटक रहा। आप अपनी आंखों को एक जगह एकाग्र करें, है ना, सामने किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स करें। अब नहीं हो जी रहा है स्टार्टिंग में, आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं मैं कर पा रही हूँ, तो कोई हर्जा नहीं। आप भले स्टार्टिंग में थोड़ा, पर फिर एक बार आंखें बंद करने का अभ्यास हो जाएगा ना, तो फिर आप वैसा ही अनुभव करेंगे, फिर बार बार उसी रूप से आप कर पाएंगे। तो इसीलिए तो यानी कोशिश कीजिए स्टार्टिंग से ही, पर अगर आंखें बंद हो रही, बाद में भले बंद हो रही तो होने दीजिए, पर शुरुआत स्टार्टिंग जो है वो जी आंखें खोल के ही कीजिए। जी जी दीदी, थैंक यू जी सो नाइस, थैंक यू। बाकी वैसे तो सुन के तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है। यानी मेरे में वैसे तो भाई ऐसा कुछ तो वैसे मेरे को नहीं हुआ है, बाकी कल मैं बात करूंगी, बाकी अभी दूसरों को भी मौका दूं। भाई जी पॉजिटिविटी तो आई है, थैंक्स बहुत उसके अच्छा। लिए, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। भगवान का ज्ञान है ना, वो तो इसीलिए है कि हमारे जीवन में बिल्कुल हम कुछ परिवर्तन अनुभव करें। जी। तो आप अभी इसी सेंटर से हैं, यानी मानसरोवर सेंटर से, जयपुर से हैं? नहीं, मैं अजमेर में हूँ, अच्छा, मैं जयपुर अजमेर से से। हूँ वैसे। अच्छा, अच्छा, ठीक बहुत अच्छा। है। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। जी, ओम इस बार शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मुझे मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 महीने से पहले से कर रही थी, पर मुझे जी क्लास का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो जी अब ये सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरे मन में भी शांति रहती है, अच्छे विचार आते हैं, तो मन भी खुश रहता है। बाकी जी मैं कल आपसे बात करूंगी, जरूर आज टाइम जरूर। नहीं मिला थोड़ा। ओम शांति दीदी। थैंक ओम शांति। यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी, ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे पहले आपकी आपकी आवाज थोड़ी ओम कम शांति आने दीदी। लगती है। ओम शांति हेलो। दीदी। हाँ, ओम शांति भाई जी, पहले कोई बहन बोल रही है उनका हो जाए। जी शालू बहन, आप बोलिए, शालू थोड़ा बहन लेकिन बोलिए। लाउड में, थोड़ा लाउडली बोलिए। शालू बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जी बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, जी बहन। मैं बोलूं कि बहन बोल रही है? हाँ जी जी बोलिए, आप बोलिए आप। बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ दीदी कि अपन ये करते हैं मेडिटेशन, तो जी आत्मा ज्योतिबिंदु, आत्मा यहाँ से प्रकृति से निकल के परम धाम में परमात्मा के सामने बैठी, वहां से पूरी शक्तियां ली और जी शक्तियां लेके वापिस यहाँ प्रकृति पे आ गई, और जी यहाँ से फिर ये यहाँ की किरणें निकल के अंग अंग में फैल रही है, ऐसे प्रत्येक अंग में, बॉडी के प्रत्येक अंग की तरफ अपन अटेंशन करें और वो किरणें फैलाएं, ऐसे 15-20 मिनट चोटी से लेके एड़ी तक करके फिर वापिस आए, फिर वापिस जाएं, ऐसा कर सकते हैं प्राणायाम, ये अपना मेडिटेशन? हाँ जी हाँ जी, हम ये अपनी बॉडी को वाइब्रेशंस दे सकते, अपने आसपास के वातावरण को दे सकते, प्रकृति को दे सकते, आत्माओं को दे सकते, कर सकते। इसमें 15-20 मिनट आराम से निकल जाते हैं दीदी। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा ठीक है, थैंक है जी। यू। सभी सभी तब हम बोलेंगे। आप, आपका माइक ऑन है। ये शालू बहन हेलो, ओम जी शांति। बोलिए।
ओम शांति बोलिए। दीदी ये मेडिटेशन जब अपन करते हैं, मुझे तो मेरी आँख लगे बिना तो मेडिटेशन नहीं हो पाता है। जैसे आँख खुली रखती हूँ तो फीलिंग्स अच्छी नहीं मिलती है मुझे, जैसे आँख लगा के फीलिंग्स आते हैं वैसे आँख खुल के नहीं आते मैं दीदी। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग में फिर आप कोशिश कीजिए, खुली रहे पर नहीं रह पाती है, आंखें बंद करके आपको अच्छा वो लग रहा अपने है तो भले आप शुरुआत कीजिए। वो अपने आप ही लग आंखें लग जाती है दीदी। अपने आप बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग हम आंख खोल करके करें। ठीक है दीदी, जी थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज के ध्यान में आपने बताया कि आत्मा ऊपर जाती है और स्वर्ग लोक में, और वहां सब खुशहाली और वो सब दिखता है, तो उस समय क्या हम जान सकते हैं कि आत्मा का उसमें क्या रूप रहता है? क्या वो देह रूप में रहती है या किस? स्वर्ग में तो आत्मा देह में ही है ना, देवी देवता स्वरूप बताया कि जो हमारा दैवीय स्वरूप है उसको हमने आज मन बुद्धि से अनुभव करने की कोशिश की कि वास्तव में जो आने वाली दैवी सृष्टि है, सत्यों की दुनिया है, जहाँ के लिए परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं, उस स्वरूप को आज हमने मन बुद्धि से देखने का प्रयास किया तो वो हमारा दैहिक स्वरूप है। देवी देवताओं का जैसा चित्र आपने आज तक देखा है वैसे स्वरूप में आपको अपने आप को संपूर्ण प्योर स्थिति में अनुभव करना है। वो उस स्वर्गलोक का है या सतयुग का है? वो सतयुग ही स्वर्गलोक है ना, आपने 84 जन्मों का लेसन सुना क्या? हाँ बिल्कुल जी, उसी में बताया गया कि कैसे आने वाली दैवी सृष्टि सतयुग और त्रेता युग का समय स्वर्गलोक कहलाता है। जी ठीक है, तो ब्रह्मलोक ऊपर है, परम धाम हम आत्माओं का घर ऊपर है, और वहां से हमें उस नई दैवी सृष्टि सतयुग में आना है, उसको ही स्वर्ग लोक कहा जाता है। जो आज का ध्यान कराया उसमें हम स्वर्ग लोक या सतयुग के लोक में हम गए थे जी, अपने डिवाइन स्वरूप में हमने अपने आप को अनुभव किया। और कृष्ण ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक क्वेश्चन है दीदी, ये हमेशा के लिए चालू रहेंगे क्या अभी? अभी तो जब तक आपको मुरली समझ में आती है तब तक तो चालू रहेगा, मुरली क्लास तो हमारा चलता ही रहेगा, और आगे देखिए अभी आप सभी की जिज्ञासा है, आपका ज्ञान का जो क्रेज है उसको देखते हुए फिर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे दीदी। अभी तो रेगुलर है, अभी तो रेगुलर है। ठीक है, सवेरे सवेरे सुबह कितने बजे? सुबह का अभी शुरू नहीं किया है, जैसे ही होता है फिर आपको बताएंगे, है ना? अभी 2-4 दिन तो हम अलग से शाम को ही सुनेंगे, उसके बाद जैसे भी फाइनल होता है, टाइम अगर चेंज होता है या यही रहता है वो फिर अपन सब मिलके डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी क्या आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कभी? अभी तो मिल ही रहे हैं, नहीं आपके सामने हैं। आप तो सामने हो, बट वैसे कभी आपके सामने सेंटर मतलब वहाँ मेन उसमें आने का मौका? बिल्कुल, माउंट आबू बाबा बुलाएंगे ना आपको, एक बार वहाँ की व्यवस्था के अनुसार सेवाएं शुरू हो जाए फिर न्यू कमर्स के लिए माउंट आबू में प्रोग्राम्स भी होते हैं तो आप सबको भी वहाँ का चांस भी दिया जाए। दीदी मैं पूछ सकता हूँ एक बात? जी वैसे हाँ, तो दीदी ऐसा है कि ये अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं जो आती है मेरे इसमें व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती है, और मेरे मेल में भी मैसेज आता है ब्रह्म कुमारी का, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये साकार मुरली बहुत लंबी होती है और उसमें थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो क्या करें? अभी कल से आपको सुनाएंगे ना तो आपका इंटरेस्ट बनाने का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि साकार मुरली में बहुत से वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, कुछ
वो बहुत लंबी भी रहती है, पढ़ते जाते हैं उसमें कंसंट्रेशन भी उतना नहीं रह जाता है फिर। नहीं लंबी तो नहीं होती है, दोनों ही मुरलियां लगभग 4 पेज की होती है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे बनाए रखना है वो भी आपको ट्रिक देंगे। रश्मि बहन बोल रही हूँ। रश्मि बहन आपका माइक ऑन है, आपको कुछ पूछना है? वापस बंद कर दिया। जी किसी को और को भी पूछना है क्वेश्चन तो आई माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी ओम शांति दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था, जब हम योग लगाते हैं बाबा को याद करते हैं तो हमें आत्मा को ऊपर परमात्मा के पास ले जाना जरूरी है या देह में ही आत्मा को रख के बाबा को याद कर सकते हैं? आत्मा को देह में रख करके ऊपर से परमात्मा की किरणें भी आप ले सकते हैं, कभी बाबा को भी आप अपने साथ बुला सकते हैं। बुला सकते, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर जाना ही जरूरी है। हमें ऊपर जाना जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है ना आप सबकी, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अच्छा, तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बाबा को अपने साथ बुलाइए, अपने घर में बुलाइए। कल वैसे अपन अपने सामने बाबा को बुला के बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दीदी। दीदी कल का यही टाइम रहेगा ना, शाम का 5:30 बजे? जी टाइम जैसे चल रहा है, जब तक आपको यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता तब तक यही टाइम। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति दीदी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि मुरली सुनना है या मेडिटेशन करना है तो अपना जो कर ले बेटा, जो सेंटर है वो अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह जो सेंटर है, क्योंकि वहाँ वो ईश्वरीय स्थान जैसा बन जाता है। वैसे अपने घर में भी जहाँ मैं एक आध महीने से मुरली सुन रहा हूँ या अमृत वेला कर रहा हूँ, तो घर में भी एक स्थान जो है या अपना पूरा घर भी एक अच्छा मैंने बना के रखा है, तो या बाहर निसर्ग में जब भी हम लोग देखते हैं अमृत में या कोई मेडिटेशन का स्वांग चल रहा है तो वहाँ कोई मेडिटेशन कर रहा है, छोटा बच्चा या कोई भी दीदी कर रही है या भाई साहब कर रहे, तो वो निसर्ग में यानी कि बाहर कोई पहाड़ी पे बैठे है, तो वो प्लेस के बारे में जरा बताइए कि क्या घर में करना से अच्छा कभी बाहर जाके भी करना चाहिए? वैसे जब हमें दूर होते हैं, जैसे ड्यूटी के लिए दूर होते हैं तो अपने सेंटर में नहीं जा पाते या नहीं जा पाएंगे, तो उस समय तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन जब भी आपको मौका मिले आपको सेवा केंद्र पर जरूर जाना है। और बाकी कोई आवश्यक नहीं है कि आपको अपने घर में बैठ के ही करना है, आप टेरिस पे जा सकते, गार्डन में जा सकते बाहर, पर इसमें आपका अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। जब मेडिटेशन की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो हम हजारों की भीड़ में बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में शांत और एकांत स्थान को आप चुने ताकि आप सहजता से अपने ध्यान को डाइवर्ट किए बिना मेडिटेशन को अनुभव कर सके, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है उसके बाद तो फिर कितनी भी भीड़ हो, शोर हो, आप जब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो आप उसमें भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी। जिन्हें भी अनुभव शेयर करना है और जिन्होंने नाम नहीं दिए है ना, तो एक बार आज नाम जो है, जो नंबर दिया गया तो नाम जरूर लिखवा दीजिए। और एक भाई जी ने पूछा है, राजेश भाई जी ने, किसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? अगर आप ग्रुप में हैं तो डेली रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जाती है, तो अगर आप ग्रुप में नहीं है तो पर्सनली आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा और रिकॉर्डिंग में आपको सारे मिल जाएंगे।
और ग्रुप अभी जो शेयर किया जाएगा सेशन खत्म होने के बाद, तो आप सभी वो मुरली के लिए स्पेशली ग्रुप बनाया गया है कि जो डेली रेगुलर मुरली सुनेंगे उनके लिए, और न्यू लाइफ जो है उसका नाम है, तो आप सभी उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा अभी सेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि हो सकता है आगे के जो डायरेक्शंस हैं डेली का जो मुरली जो क्लास का लिंक होगा वो उस ग्रुप में ही आपको मिलेगा, तो इसलिए आप अटेंशन दे करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ओम शांति दीदी। और किसी को? जी बोलिए दीदी, बस इतना बताइए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हमारा रोल खत्म हो गया है इस दुनिया में? फिर हम पूछने के लिए या जानने के लिए रहेंगे ही नहीं, चले जाएंगे। क्या दीदी? रोल खत्म हो गया फिर तो हम पूछने के लिए या जानने के लिए रहेंगे ही नहीं, चले जाएंगे। दीदी कभी कभी इतना समस्याओं का ऐसा ढेर आ गया है कि लगता है कि अब हम आपको नहीं रख कर सकते, हम और अब हम प्ले नहीं कर सकते वो रोल। तो छोड़ नहीं सकते ना, इस ड्रामा में हम कोई भी क्विट नहीं कर सकते। जब तक ड्रामा कंप्लीट नहीं होगा हमें अपना रोल जैसा है, सुख का दुख का हंसी का उदासी का, वो हमें प्ले करना है। अगर हम उस एक्टिंग को भी नहीं कर पाए तो फिर तो हम फेल हो जाएंगे। हमें तो अच्छा एक्टर बनना है, तो हमें उस उदासी के रोल को भी फुल्ली एंजॉय करके और पावरफुल एक्ट के साथ कंप्लीट करना है, उससे क्विट नहीं हो पा रहा है दीदी। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सुन रही है, रोज शेयरिंग भी आपसे हो रही है, हमारी पर्सनल भी आपसे बात हुई है, इसमें अगर आप इसमें सारा खेल आपके खुद के मन का है। जब तक आप खुद अपने मन को नहीं समझाएंगे तब तक हमारे समझाने से या हमारे आपके बात करने से फिर शायद कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी खुद का कंट्रोल खुद के हाथों में लेना होगा और आपको खुद को ही खुद को हैंडल करना होगा, तब शायद बहुत इजीली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। जी, नहीं तो जी, फिर जी, हमारा मन अगर टूट गया, हम हार गए, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दीदी यही तो मन टूट गया है दीदी, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो आपको जोड़ने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना अच्छा माध्यम दिया परमात्मा ने, 10 दिनों से आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ा है, तो फिर आप अपना हाथ क्यों छुड़ाना चाहती है? आप बस ईश्वर के श्रीमत अनुसार चलते चले। अभी परमात्मा के महावाक्य भी आपको रोज सुनने को मिलेंगे, रोज नई नई श्रीमत मिलेगी, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको सब कुछ बहुत सहज लगने लगेगा। लेकिन आपके मन को आपको समझाना है, हमारे समझाने से वो नहीं समझेगा। हम सिर्फ आपको बातें बता सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आपको करना है। जी दीदी, ठीक है दीदी, ओके, आपसे बिल्कुल जी जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, सॉरी पर मैं एक बात बोल सकती हूँ? जी जी, अभी इन इन बहन ने जो बोला ना उसके लिए मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को सुन के बहुत दुख हुआ। जी जी, अपने हमारे सिंधी में है, मैं सिंधी हूँ, पूजा खेमानी जी, हमारे सिंधी में एक कहावत है, तो भोगे चुटबो भजी कौन चुटबो, इन्हें मन के पको करे, क्योंकि अपने मन को ही अपन को पक्का करना है, और जो है कर्म भोग अपने को अपना भोगना है, भाग नहीं सकते ना अपने जीवन से अपन। जी, और कुछ आप आपके कारण इतना पॉजिटिव मैं भी हूँ, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, पर आपने जो ज्ञान अभी सुनाया ना, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू। आप सबके लिए इसलिए ही अनुभव का सेशन रखा गया, ताकि एक दूसरे की बातें सुनकर, अनुभव सुनकर एक दूसरे को भी प्रेरणा मिले, है ना? जी, और कोई सविता बहन बोलना चाहेंगे? उनका माइक ऑन है, या किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। और एक राजेश भाई जी, आपका माइक ऑन है तो आपको कुछ बोलना है?
और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी धर्मवीर भाई जी, आपका पूछना है आपने कुछ? अंजू बहन यदि किसी के कोई क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं अभी जी, तो फिर हम सेशन का एंड करेंगे यहीं पर। और दो चीजें आपको एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने नाम नहीं दिए हैं वो नाम जरूर लिखवा दीजिए मैसेज करके, और दूसरा ग्रुप में अभी जो एक ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको इसी ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओम शांति।